हेलो माय ब्यूटी क्वीन्स आज की हेयर स्टाइल वीडियो में मैं जुड़ा बन बनाने के तरीके शेयर कर रही हूँ शॉर्ट मीडियम लेंथ हेयर के लिए शादियों का सीजन है तो वेडिंग गेस्ट या घर का शादी फंक्शन है तो अलग अलग फंक्शन पे छोटे मीडियम लेंथ हेयर के साथ हेयर स्टाइल कैसे बना सकते हैं वो जानने के लिए वीडियो पूरा देखेगा एज यू कैन सी रिसेंटली मैंने बालों को कट किया है एंड माय हेयर लेंथ इज शॉर्ट इसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपको पांच अलग तरीके भी बताऊंगी ये आर्टिफिशियल हेयर फ्रिल एक्सटेंशन को यूज करने के इट्स अ हेयर परांदी और ये अमेजोन पे अवेलेबल है तो वीडियो को लाइक like और शेयर जरूर करना और वीडियो को स्किप मत करना टू नो हाउ टू डू हेयर स्टाइल लहंगे के ऊपर साड़ी के ऊपर फॉर लेडीज एंड गर्ल्स विद शॉर्ट एंड मीडियम लेंथ हेयर सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो so, सबसे पहले हेयर स्टाइल के लिए फ्रंट से हेयर सेक्शन ले रही हूँ पतला सा हेयर सेक्शन लेके राइट एंड लेफ्ट में से दोनों को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रही हूँ समथिंग लाइक दिस सो पाँच से छः बार बालों को क्रॉस करने के बाद पीछे मैं उनको पिन के साथ कर दूंगी सिक्योर सो so, आज की वीडियो ना मैंने थोड़ा टू एक्स स्पीड में रखी है ताकि वीडियो को बीच में से बिना कट किए आपको पूरा हेयर स्टाइल भी दिखा सकूं और अगर मैं रियल टाइम में रखती हूं तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाता है तो इसलिए मैंने स्पीड थोड़ी सी वीडियो की बढ़ा के वीडियो को आज एडिट करा है वेल well, ऊपर के हेयर को सिक्योर करके पीछे के बाकी जो हेयर है उनको नीटली कोम करके रबर बैंड से पोनी टाई कर लेनी फ्रंट से पहले एक थोड़े फ्लिक्स आप निकाल लो राइट एंड लेफ्ट से और जो पोनी बनाई है उससे एक रफ सा जूड़ा बना के उसको रबर बैंड से सिक्योर कर दो अब ये आर्टिफिशियल हेयर प्रांदी जो है या हेयर फ्रिल हेयर टेल कुछ भी बोल सकते हैं इसको इसके एक एंड पे कॉर्नर पे, बॉबी पिन इंसर्ट करना है फिर उसको बालों में ऐसे प्लेस कर देना है समथिंग लाइक दिस अब चाहे आपके बहुत ही छोटे हेयर है हैं एकदम शोल्डर लेंथ है या उससे भी छोटे हेयर है हैं तो पीछे बस बालों को एक रबर बैंड के साथ रफली बांध लो और उसके ऊपर आप ये हेयर फ्रिल ऐड करके इसको इस तरह से रोटेट कर लो रोटेशन के हर एक पॉइंट पे आप जूड़ा पेन ऐड कर सकते हो बॉबी पिन लगा सकते हो राइट एंड लेफ्ट से सो दैट इट जस्ट स्टे सिक्योर और लास्ट पॉइंट पर भी मैंने अगेन एक जूड़ा पेन जो है वो ऐड कर दी है एंड विद दिस वे आप शॉर्ट हेयर के साथ भी एक बर्न हेयर स्टाइल ट कर सकते हो या आप साड़ी के साथ बना सकते हो शरारे सूट के साथ पंजाबी सूट अगर पंजाबी वेडिंग में वेयर कर रहे हो जागो फंक्शन के लिए मॉर्निंग अनंत कार्य फंक्शन के लिए शादी की इतनी सारी रस्में होती हैं कहीं पर भी छोटे बालों के साथ इस तरीके से आप जूड़ा बन क्रिएट कर सकते हो दूसरा हेयर स्टाइल बनाने का तरीका जो है उसमें पहले मैंने साइड पार्टीशन ली है और राइट एंड लेफ्ट से टिक टैप पिन से टिकट पिन से बालों को सिक्योर करके बाकी हेयर को नीटली कोम करके पोनी टाई कर रही हूँ और जो लोअर एंड के है हेयर हैं वहाँ पे भी मैंने रबर बैंड लगा दिया अगर आपके बाल की लेंथ मेरे बालों से भी कम है देन आप जहाँ पे पोनी टाई कर रहे हो उसी स्टेप पे आप रुक सकते हो देन आई टेल यू व्हाट टू डू नेक्स्ट अब जो पोनी मैंने बनाई मैंने इसको अंदर की तरफ रोटेट करके टिक टैक पिन से सिक्योर कर दिया ये अनिवल लग रहा है बट दैट्स नॉट द कंसर्न इट्स ओके कि इसको हम आर्टिफिशियल हेयर एक्सटेंशन के साथ या हेयर फ्रिल के साथ कवर कर देंगे ये जो हेयर फिल है ना कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है कुछ 230 या 20 रुपए का ही मैंने अमेजोन से लिया था तो मैं लिंक भी दे दूँगी पिन भी कर दूंगी लिंक कमेंट सेक्शन में तो वहाँ पे आप इसको चेक कर लेना अब पहले मैंने इसको ऊपर की तरफ पिन किया फिर ऊपर से नीचे लेके आके ये जो बाउंस बन बनाया उसके नीचे पिन करा देन दोबारा मैं इसको नीचे से ऊपर लेके आ रही हूँ दोबारा ऊपर पिन कर रही हूँ सो so इस तरह से अप एंड डाउन मोशन के साथ इस हेयर फ्रिल को मैं प्लेस कर रही हूँ और यहाँ पे आपको दो मिरर लग सकते हैं यू माइट नीड अगर आप ये हेयर स्टाइल खुद से बना रहे हो एक बैक मिरर जिसमें आप देख सको कि आप जो फ्रिल प्लेस कर रहे हो उसका जो बैंड वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ तो नहीं दिख रहा सो यू हैव टू जस्ट नीड अन अदर मिररर टू चेक दैट ऑल्सो सो यहाँ पर जो लास्ट सेक्शन था उसको मैंने नीचे की तरफ सिक्योर कर दिया अब जो पहले मेरे सामने के हेयर हैं इनको मैं ट्विस्ट कर रही हूँ दोनों राइट एंड लेफ्ट बिकॉज दिस इज़ द ईजीएस्ट एंड सिम्पलेस्ट वे टू डू एनी वेडिंग गेस्ट हेयर स्टाइल बस फ्रंट के हेयर सेक्शन लो और उनको इस तरह से ट्विस्ट कर दो ये करना भी आसान है और कोई बिगनर भी कर सकता है एंड इट लुक्स एलिगेंट ऑल्सो शादी फंक्शन में ये ट्विस्टेड बंद हेयर स्टाइल अच्छा भी लगता है ब्रेड हेयर स्टाइल सो दोनों तरफ जो मैंने ब्रेड बनाए थे इनको ऊपर की तरफ मैंने सेट करा है और जो हेयर फ्रिल लगाई ना उसके हेयर के साथ दोनों ब्रेड्स को साइड से कर दिया है कवर अब मैं जो बाकी के हेयर हैं बस उसको सेटल डाउन कर रही हूँ ये वाला हेयर स्टाइल स्पेसिफिकली आप रिसेप्शन पार्टीज कॉकटेल पार्टी संगीत पार्टी अगर इंडो वेस्टर्न आपने आउटफिट पहनी है तो उसके साथ क्रिएट कर सकते हो इट विल लुक वेरी गुड विद गाउन आउटफिट्स और जैसे मैंने मैंशन करा था अगर छोटे हेयर हैं तो सिर्फ रबर बैंड के साथ अगर बाल आपने पोनी टाई कर ली बस उसके ऊपर भी आपको यू नो अप एंड डाउन वाला मोशन जो है वो फॉलो करना है तीसरे हेयर स्टाइल बनाने के तरीके के लिए पूरे पूरे हेयर को एक साइड पे लेकर रबर बैंड टाई कर लिया उसके बाद यहाँ पे हेयर एक्सटेंशन में मैंने बॉबी पिन डाला और जो बॉबी पिन को आपको इंसर्ट करना है ना रबर बैंड के साथ पिन को सिक्योर करना है इससे आपका जो लुक जो पूरा हेयर फ्रिल है वो स्टडी बना रहेगा अब उसके बाद इसका जो लेंथ है ना वो आपको एडजस्ट कर लेना है अब मेरा जो बालों का लेंथ है मैं उस लेंथ के हिसाब से इस हेयर फ्रिल को तीन हिस्सों में एडजस्ट कर रही हूँ एक तो जहाँ पिन लगाया था वहाँ से नीचे की तरफ आना है देन दोबारा से नीचे से हेयर का सेक्शन ऊपर आना चाहिए और फिर ऊपर से एक हेयर का सेक्शन नीचे आना चाहिए सो इट यू हैव टू अरेंज द हेयर फ्रिल समथिंग लाइक दिस कि तीन हेयर स्टैंड बन जाए ताकि जैसे हम रेगुलर चोटी बनाते हैं तो उसके लिए हमें तीन हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है हेयर को Similar way, you just have to do और उसके बाद जो नेचुरल हेयर है उसको मैंने सेंटर में रखते हुए बाकी हेयर को आपस में क्रिस क्रॉस करते हुए एक चोटी बना ली है और लोअर एंड पे जो हेयर है उनको सिक्योर करने के लिए बॉबे पेना ऐड कर दिया है ये वाला जो फ्रिल वाला चोटी हेयर स्टाइल है दिस विल लुक वेरी वेरी एलिगेंट विद शरारा आउटफिट लहंगा आउटफिट इवन वलीमा ब्राइड के लिए मुस्लिम ब्राइड के लिए भी ये वाला हेयर स्टाइल यू कैन डू मेहंदी फंक्शन के ऊपर भी काफ़ी अच्छा लग सकता है यू you नो know, अब्दुल्लन की बहन हो एंड यू जस्ट वॉन्ट टू लुक सिमिलरली फैब तो आप इस तरह का ये वाला चोटी हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो उसको मैंने फ्लावर के साथ स्टाइल करा है देन नेक्स्ट अगेन गर्ल्स के लिए हेयर स्टाइल शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं फ्रंट का जो हेयर सेक्शन है उसमें उसको तीन हिस्सों में डिवाइड करके वहाँ फ्रेंच ब्रेड कर रही हूँ लोअर एंड तक और सेम स्टेप मैंने दूसरी तरफ भी फॉलो कर लिया दोनों ब्रेड्स को नीचे की तरफ रबर से सिक्योर जरूर करना है देन इन हेयर सेक्शन को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए बाकी हेयर के साथ एक पोनी टाई कर रही हूँ अब इस हेयर स्टाइल के लिए जो फ्रिल है इसको मैं पोनी के ऊपर प्लेस कर रही हूँ और आपको फ्रिल का जो लेंथ है वो इवन रखना है ऊपर से जूड़ा पिन के साथ फ्रिल को सिक्योर कर देना अब जो बीच के मेरे नेचुरल हेयर खुद के बाल है उसके साथ एक मैंने चोटी क्रिएट करके ना उसको रबर बैंड से कर दिया सिक्योर अब अगेन यहाँ पे तीन हेयर स्ट्रैंड बन गए अब ये जो दो आर्टिफिशियल हेयर का स्ट्रैंड है इसको चोटी के अराउंड क्रिस क्रॉस करना है एंड देन जो बाकी के बच गए लेंथ है उसको मैं ऊपर की तरफ लेके आ रही हूँ राइट एंड लेफ्ट से एंड ऊपर से मैं पिन उसको टिक टैक पिन या बॉबी पिन के साथ सिक्योर कर दूंगी तो इससे आपको थोड़ा लेंथ मिलता है हेयर स्टाइल में एंड ये वाला हेयर स्टाइल गर्ल्स के लिए आप कर सकते हो गाउन उन्होंने वेयर करा है या कुछ इंडो वेस्टर्न आउटफिट वेयर करी है तो उसके साथ आपको थोड़ा लंबे वाला जूड़ा बन और हेयर स्टाइल का लुक चाहिए देन यू कैन क्रिएट हेयर स्टाइल इन दिस वे एज वेल और जो पांचवा हेयर स्टाइल बनाने का तरीका है अगेन ये लेडीज़ के लिए है ये आप साड़ी के साथ क्रिएट कर सकते हो अगेन रिसेप्शन पार्टी में रात के फंक्शन में एंड रात का वेडिंग फंक्शन है तो उसमें ये बहुत ही अच्छा दिखेगा इट हैज अ लिटिल रेट्रो वाइब और आजकल रेट्रो यू नो पुराने तरीके के हेयर स्टाइल भी काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं तो इसके लिए मैंने सामने के हेयर को सेपरेट करके जो मेरे बाकी पूरे हेयर है उसके साथ एक जूड़ा बना के उसको रफली सिक्योर कर दिया एंड सेम स्टेप फॉलो कर करी जो मैंने स्टार्टिंग में किया था पहले एक हेयर फिल का सेक्शन सिक्योर करके एंड देन बस उसको राउंड राउंड कर रही हूँ हर एक स्टेप में मैं जुड़ा पेन ऐड करती जा रही हूँ बॉबी पेन ऐड कर रही हूँ एंड देन आई एम जस्ट सिक्योरिंग दिस स्मान तो ये साइड में बहुत ही बड़ा सा बन बनता है अगर आपका चेहरा थोड़ा छोटा है पतला है तो आप इस तरीके का साइड वन हेयर स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हो इससे थोड़ा हैवी लुक आता है फेस में एंड इट जस्ट बैलेंस आउट योर होल लुक और जो फ्रंट के थोड़े से हेयर हैं इनको मैंने कर्ल कर लिया है एंड दिस इज एडिंग अ मोर रेट्रो वाइब टू द होल लुक सो इस तरीके से आप शॉर्ट और मीडियम लेंथ हेयर के साथ लेडीज और गर्ल्स घर के शादी फंक्शन में इंडियन वेडिंग गेस्ट के फॉर्म पे आप पाँच जुड़ाबन हेयर स्टाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल बिकॉज ये काफी दिनों से रिक्वेस्ट पेंडिंग चल रहा था एंड फाइनली आई डिड दिस वीडियो तो इसको लाइक जरूर करना शेयर जरूर करना और इंडियन वेडिंग गेस्ट फंक्शन के लिए और कैसे कैसे हेयर स्टाइल्स आप देखना चाहते हो लीव योर कमेंट बिलो सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो इस तरह के और आसान हेयर स्टाइल और मेकअप करने के तरीके देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लव यू ऑल बाई